मना रहा था। कश्मीर पंडितों ने एक आशा की किरण देखी हिंदुस्तान के अंदर कि वो आशा की किरण को गुरु तेग बहादुर जी के रूप में दिखाई दी। वो वहां से पंजाब आनंदपुर साहिब आते हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि गुरु जी हमारे साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है और जबरन हमें हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कहा, जाओ औरंगजेब को कहो कि अगर तुमने एक गुरु को, गुरु तेग बहादुर को अगर इस्लाम में परिवर्तित कर लिया तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। यह कहकर गुरु तेग बहादुर जी पंजाब से दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान सभी ऊपर स्थान दिया गया है। यदि गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हो तो मुझे किसके पहले चरण छूने चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि दोनों साथ खड़े हो तो मुझे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उस भगवान तक जाने का रास्ता गुरु जी ने बताया है। ऐसे गुरु जी को, ऐसे संत को एक मेरा कुछ बात कहने सलाम दिल्ली के चांदनी चौक में शीश का डाला। क्या गुना था उनका? क्या औरंगजेब की दाढ़ी फाड़ी थी उन्होंने? क्या भाई मतीदास जी ने औरंगजेब की टोपी उछाली थी? क्या सतीदास जी ने उसके पैर में टंगड़ी मारी थी? क्या गुना था? कोई गुना किया था जो उस समय की सत्ता ने उनको दंड दिया? सिर्फ यही तो किया था कि कश्मीर से आने वाले पंडितों ने कहा कि हमारे धर्म को हमें परिवर्तित किया जा रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। किसी की रक्षा करने वाले व्यक्ति को आप किस तरह से सारे काम उनका कत्ल कर डालेंगे? अरे गुरु तेग बहादुर जी को मार डाला, सतीदास जी को मार डाला, दयालाल दास जी को मार डाला, मतीदास जी को मार डाला और गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्रों को बलिदान कर दिया। संभाजी के साथ क्या किया था कौन नहीं जानता। ऐसे कत्ल के नाम पर दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड का नाम रख दिया जाता है। क्यों? कातिल के नाम पर आप रोड का नाम रखेंगे? साथियों, जो उस समय हुआ था कश्मीर में, और उस समय जो हिंदू पंडित भागकर गुरु जी के पास आए थे, यही घटना सर 1998 में हुई थी। इतिहास की पुनरावृत्ति हुई थी कश्मीर से। उसी तरह से उन्हीं कश्मीरी पंडितों को मारकर दोबारा भगाया गया। 3.5 लाख कश्मीरी पंडित आज भी शरणार्थियों के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज को गुरु तेग बहादुर जी पैदा नहीं हुए। उस सन 90 की सत्ता में बैठे हुए लोग या विपक्ष में बैठे हुए लोग सबको साफ सुन गया था, आपकी आंखों के सामने आपके लोगों को मार डाला गया। उस समय गुरु तेग बहादुर जी खड़े हो गए, लेकिन आप में से कोई गुरु तेग बहादुर जी पैदा नहीं हुआ। किसने सत्ता में बैठे थे आप? सत्ता का विरोध था आपको, लेकिन आप सत्ता में बैठकर क्या कर रहे थे? आप राजनीति कर रहे थे। शरण नहीं आया आपको? आपके 3.5 लाख लोगों को घर में दरबदर कर दिया गया और 30 साल बाद भी आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप उनको वहां स्थापित कर सके। शरण मानी चाहिए आप लोगों को। 9 नवंबर 1675 ईस्वी को भाई मतीदास जी को 3 लोगों से ऐसे बांधकर आगे से चीर डाला गया। कोई गुनाह किया था? उसके अगले दिन 10 नवंबर को भाई दयालाल दास जी को पानी के कढ़ाई में डालकर आग लगाकर उनको जला दिया गया, भून दिया गया। किस लिए? ताकि गुरु तेग बहादुर जी अपने सामने अपने शिष्यों का कत्ल होता है देखे और वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। इतने कच्चे मिट्टी के बगैर नहीं थे हमारे महापुरुष। भाई सतीदास जी को रुई लपेट कर आग लगा दी गई, उनको मार डाला गया। जब इसके बावजूद भी गुरु तेग बहादुर जी विचलित नहीं हुए तो 11 नवंबर 1675 ईस्वी को उनका शीश, जहां आज शीश बन गुरुद्वारा है, घर से अलग कर दिया गया। उनके एक शिष्य भाई जटा सिंह जी ने उस शीश को उठाकर किसी तरीके से लेकर पंजाब गए, जहां गुरु गोविंद जी को उन्होंने दिया, और दूसरे शिष्य लेकर उसको जहां आज रकाबगंज गुरुद्वारा है वहां लेकर गए। औरंगजेब की सेना उनका पीछा कर रही थी, उन्होंने अपने घर में रखकर उस घर के अंदर आग लगा दी ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। इतना जुल्म आप लोगों ने किया है और उस समय की सत्ता में बैठे हुए लोग भी मुगलों के नाम पर मुख्य दिल्ली के नाम रख देते हैं। औरंगजेब रोड पर रोड पास का, अरे शर्म होनी चाहिए आप लोगों को।